प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 7 का अध्याय रेशों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम यह जानते हैं कि आपने पहले क्या सीखा है, वस्त्र कैसे बनते हैं, रेशों के क्या स्रोत हैं, रेशों से तागा बनाने की क्या विधि है और इसे क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे? ऊन और ऊन देने वाले जंतु, रेशम और रेशम देने वाले जंतु, ऊन के रूप, ऊन के स्रोत कौन कौन से हैं, भेड़, याक, अंगोरा बकरी, ऊंट, लामा। आइए बच्चों, अब हम यह जानते हैं कि भेड़ों का पालन कैसे किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को प्रजनन के द्वारा तैयार किया जाता है। भेड़ पालन। बच्चों, अब हम भेड़ पालन के बारे में जानेंगे। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र आदि। आओ बच्चों, अब हम भेड़ों के भोजन के बारे में जानते हैं। भेड़ों का भोजन घास, पत्ते, दाल, अनाज, सूखा चारा इत्यादि हैं। आइए बच्चों, अब हम भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के बारे में जानते हैं। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें ये हैं। पहली, रामपुर बुशहर, इससे भूरी ऊन प्राप्त होती है और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा, नाली या नली, यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। तीसरी है बाखरवाल, यह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। चौथी है मारवाड़ी, यह गुजरात की किस्म है। और पांचवी है पाटनवाड़ी, यह भी गुजरात में पाई जाती है। बच्चों, आइए अब सीखते हैं कि रेशों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। रेशों से ऊन प्राप्त करना। बच्चों, अब हम रेशों से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है। इसे करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। यह
उसी तरह की मशीन होती है जैसी मशीन नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयोग की जाती है। भेड़ के बालों को सामान्यतः गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि बालों के सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर भी वह जीवित रह सके। ऊन उतारने के दौरान भेड़ों को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है क्योंकि बालों की यह परत बेजान होती है, जैसे हम अपने नाखून काटते हैं और हमें दर्द नहीं होता। भेड़ों के बाल भी हमारे नाखूनों की तरह ही दोबारा उगाते हैं। इसके बाद बालों को टंकियों में डालकर धोया जाता है ताकि वह साफ हो जाएं और उनमें से चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहा जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। बच्चों, बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। इन्हें बर कहा जाता है। बच्चों, ये वही बर है जिसे आप कभी कभी अपने स्वेटर पर इकट्ठा होते हुए भी देखते हैं। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन किया जाता है। इसके बाद रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। अंत में रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है जिसे हम ऊन कहते हैं, और ये हमें लच्छों के रूप में या ऊन के गोलों के रूप में प्राप्त होती है। आइए बच्चों, अब हम रेशम के बारे में जानते हैं। रेशम के कीट और रेशम के रेशे। रेशम के कीट रेशम के रेशों को कैसे बनाते हैं, आओ देखें। बच्चों, अब हम रेशम के कीड़े और रेशम के रेशे के बारे में जानेंगे। रेशम के कीट का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब मादा रेशम कीट पत्तों पर अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम का कीड़ा कहते हैं। यह कैटरपिलर शहतूत के पत्ते खाकर अपने आकार में वृद्धि करते हैं और अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं जिसे प्यूपा कहते हैं। यह प्यूपा अपने इर्द गिर्द जाल बुन लेता है। यह जाल इसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। यह जाल प्रोटीन का बना होता है जो वायु के संपर्क में आकर सूख जाता है और सख्त हो जाता है, जो बाद में रेशम का रेशा बन जाता है। कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह इस परत से ढक लेता है जिसे अब हम कोकून कहते हैं। रेशम के कीट का इसके आगे का विकास कोकून के बीच में होता है। इसके बाद प्यूपा अलग अवस्था में पहुंचकर इस परत में से बाहर निकल आता है और यह जीवन चक्र इसी तरह
चलता रहता है। बच्चों, अब हम रेशों के रूप के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कपड़े धागे से बने होते हैं और धागे भिन्न भिन्न प्रकार के रेशों से बनते हैं। बच्चों, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशे। अब हम प्राकृतिक रेशों और संश्लिष्ट रेशों को कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों, हम दो प्रकार के रेशों से बने कपड़े लेते हैं। एक प्राकृतिक कपड़ा जैसे कपास, ऊन, जूट या रेशम, और दूसरा संश्लेषित जैसे कि नायलॉन या रेयॉन आदि। हम इन कपड़ों से रेशों को निकाल कर जलाएंगे और जलाने के बाद इन रेशों से आने वाली गंध को महसूस करेंगे। पहले रेशे जैसे ऊन को जैसे ही हम जलाते हैं तो यह आसानी से जलना शुरू करता है, पर जैसे ही इसे आग से दूर करते हैं यह जलना बंद कर देता है। इसकी गंध भी जलते हुए बालों के जैसी आती है। जलाने के बाद काले रंग की राख जैसा पदार्थ बचता है। चलिए अब दूसरे रेशे को लेते हैं। यह नायलॉन है। अब हम इसे जलाते हैं। जैसे ही इसे जलाना शुरू करते हैं यह जलते ही सिकुड़ने लगता है और गर्मी से पिघलता है और जलता है। इसकी गंध भी प्लास्टिक के जलने जैसी गंध आती है। जलने के बाद एक कठोर काले रंग का पदार्थ बचता है जो कि सख्त है और इसे तोड़ा नहीं जा पा रहा। इस प्रकार यह क्रिया कर हमें यह पता चलता है कि जिन रेशों को जलाने से बालों के जलने जैसी गंध आती है और राख जैसा पदार्थ बचता है वह रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं, जबकि जिन रेशों को जलाने से प्लास्टिक के जलने जैसी गंध आती है और आखिर में एक कठोर पदार्थ बचता है संश्लेषित रेशे होते हैं। क्योंकि बच्चों, आपको पता ही है कि प्लास्टिक एक संश्लेषित पदार्थ है। इस तरह इस क्रियाकलाप के द्वारा हम प्राकृतिक व संश्लेषित रेशों का अध्ययन और उनकी पहचान कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्राकृतिक रेशों और संश्लिष्ट रेशों के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन, जूट और रेशम प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। संश्लिष्ट रेशों के उदाहरण हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर। आइए अब हम कोकून से रेशम बनने तक के बारे में जानते हैं। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को
पाला जाता है। उनके कोकूनों को इकट्ठा करके रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम उत्पादन में चीन संसार में पहले स्थान पर है। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय का संशोधन करते हैं। रेशम और ऊन जंतु रेशे हैं। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन और फिर छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को निकालने की विधि रीलिंग कहलाती है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब आप सोचिए, रेशम कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन का कोई एक स्रोत बताइए। भेड़ पालन करने वाले प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और संश्लिष्ट रेशों का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी अपने घरों में ध्यान से रहें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।